सो हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन लेके आ चुका न्यू गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रॉबरी बॉब। सो आप लोगों को नाम से ही पता लग गया होगा, हम लोग मारने जा रहे हैं लोगों के घरों में डाका, ठीक है, मतलब चोरी करने जा रहे हैं। और ये जो आप लोगों को डिटेक्टिव टाइप दिख नहीं रहा बंदा, जिसने डिटेक्टिव टाइप कपड़े पहन रखे, सो इस बंदे ने हम लोग को ना जेल से निकाला, क्योंकि ये बंदा है पुलिस में। सो हम लोग है चोर, सो हम लोग थे जेल में और इस बंदे ने ना हम लोग को मतलब जो जेल से निकाला। और आप लोग, हम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब मैं बॉब को कह रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग देख ही पा रहे स्क्रीन में। हाँ, इस बंदे को मैं बोल रहा हूँ। सो इसने हम लोग को ना जेल से निकाला। तो अब ये हमारा फूफा का लड़का, तो लगता नहीं कि ये हमें फ्री में जेल से निकालेगा। सो इसको अब हमसे चाहिए कुछ काम, इसके लिए ना हम लोगों ने लोगों के घर में जाके चोरियां करनी है, ठीक है। सो इस करके इस बंदे ने हमें जेल से निकाला और हमारा पहला लेवल बिल्कुल ही आसानी से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो क्योंकि यार हर गेम में ना पहला लेवल आसानी होता है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे हिसाब से क्या मतलब पहला लेवल में हर गेम में मतलब पहला लेवल में थोड़ा मतलब ईजी सा ही देते हैं, ठीक है। फिर बाद में जाकर जितने भी लेवल बढ़ते रहते ना, उसके बाद मुश्किल लेवल मिलते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दूसरे घर में और यहाँ पे हम लोगों ने ना बिल्कुल खाली घर है, यहाँ पे ना बिल्कुल मतलब कोई बंदा है नहीं, ठीक है, इस घर में। सो हम लोगों ने बिल्कुल ही झोला भर के मतलब सामान लेके आना अंदर से। सो नोबडी इन होम कह रखा है, मतलब अंदर के तरफ ना कोई भी नहीं, ठीक है। सो हम लोग आराम से जाकर लेके आ सकते हैं, क्योंकि भाई खाली घर से लूट करना बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है, मतलब आसान बात है, आसानी से लूट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी खाली घर से। सो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि भाई अपना बॉब भाई बिल्कुल ही चोर नंबर वन है, ठीक है भाई। मतलब इसके ज्वेलरी बॉक्स उठा लिए, यहाँ पे ब्रोकन टॉय भी उठा लिए, मतलब टूटे हुए खिलौने उठा के क्या फ़ायदा भाई, क्या चोर बनेगा रे बॉब भाई। सब आराम से जो चीज़ें उठाने को कहा है, डर्टी क्लोथ भाई, गंदे कपड़े उठा रहा है यार भाई, गंदे कपड़े। और ये देखो एम्प्टी वॉलेट, मतलब खाली भाई, खाली पर्स भी उठा रहा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब क्या चोर बनेगा रे भाई। सो यहाँ से अपना ये भी कंप्लीट हो चुका और यहाँ पे अपना थैला भी नहीं भरा। अच्छा, हम लोगों ने खाली थैला लेके आगे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपना हो चुका है ये वाला लेवल कंप्लीट। सो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे भाई, बिल्कुल भी पीछे नहीं रुकेंगे, ठीक है। सो देखते क्या कुछ रहता आगे मिशन में। सो यहाँ पे हमारे पास है, अब इस घर में ना मतलब कोई दादी माँ घूम रही है, सो उनसे बचकर हम लोगों ने यहाँ से चोरी करके आना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा मतलब सामान उठाने हैं। सो सामने साइड पे देख ही पा रहेंगे, ताश के पत्ते किस लिए उठाएगा भाई। भाई ये देखो कार्ड भी उठा लिया भाई, सब मतलब ऐसी चोरी करने आ रखा है ये नल्ला भाई। हीरे जवाहरात तो जो भी मतलब डायमंड मतलब गोल्ड डायमंड जो चीज़ें होती है ना, वो मेन चीज़ें उठाना ये नल्ले, मतलब कुछ भी उठाई जा रहा भाई, देख रहे हो, मतलब कार्ड उठा रहा। और भाई ये देखो येस्टरडे न्यूज़पेपर भाई, मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर तक उठाने में भाई साहब, मतलब इसके लिए ये चोरी करने आए यहाँ पे। सो चलो देखते, ये गेम वाले भी खतरनाक ही है भाई, क्या क्या चीज़ें उठवा रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर चोरी करते हैं बंदे। सो अभी हम लोगों ने, दादी ने हमें देख लिया मेरे हिसाब से। सो दादी इधर ही साइड पे आ रही है। सो हम लोगों ने दीवार के सहारे होकर बिल्कुल ही छुपना पड़ेगा, क्योंकि जैसी दादी थोड़ा अंदर साइड पे जाएगी, हम लोग बाहर साइड को भाग जाएंगे, ठीक है। सो दादी गई अंदर को, अब हम लोग सीधा बाहर को होते हैं, क्योंकि अपना भाई थैला भर चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। सो हम लोग लेट हो चुके हैं साचे, सो फुल स्पीड में जाना। अरे दादी ने मेरे को देख लिया भाई, रास्ता ही मैं भूल गया यहाँ से भाई, मतलब देख रहे रास्ता ही भूल गया मैं। सो चलो, ये मतलब ये डिटेक्टिव जैसा बंदा ना, ये मतलब पुलिस में और ये ही बंदा हमसे चोरियाँ करवा रहा है, ठीक है। सो चोरी का माल हम दोनों आधे बांटेंगे, मतलब पुलिस भी भाई इस गेम में भाई पुलिस का भी अलग ही माजरा है, समझ रहे हो। हमें मतलब फ्री में बचाया, मेरे को लगा भाई मतलब ये बॉब को लगा होगा, हमें मतलब इसने दया, इसके ऊपर दया दिखा दी, इस करके बचाएगा, बट भाई उसको अपना काम करवाना था, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। कोई भी किसी के लिए ऐसी बेफजूल में कोई भी मदद नहीं करता, ठीक है, मतलब सामने वाले को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, मतलब जैसे ये सामने पुलिस वाला देख लो। सो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें उठा चुके हैं और यहाँ पर दादी माँ ने हमें देख तो नहीं लिया। सो बाहर एग्जिट होने का रास्ता शायद से वही है जो हमारे बैग में है। सो हम लोगों ने यहीं से बाहर निकलना पड़ेगा। सो पहले तो हम लोग पूरा सामान उठा लेते हैं, जो भी है इस घर के अंदर जितने भी सामान होंगे ना, सारा का सारा उठा लेंगे। और ये दादी माँ बाहर साइड पे ध्यान दे रही है। सो यहाँ से हम लोग को और भी चीज़ें उठानी पड़ेंगी, और मैं यहाँ से बाहर साइड को नहीं जा सकता, अभी तो बहुत सारी सामान उठाना रहता भाई। मैंने एक चीज़ अभी नोटिस नहीं की थी, हमारा झोला जो मैं मतलब हमारा बैग है ना बिल्कुल खाली है, और मैं बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो हम लोग को अंदर को आना पड़ेगा और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा के जानी पड़ेगी। सो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, और वो दादी माँ भाई इधर ही आ रही है क्या? अच्छा इधर ही आ रही है, मतलब वो ना दादी माँ बिल्कुल ये जो मतलब घर का अंदर ना बस सिंपल राउंड लगा रही, इधर उधर नहीं घूम रही, ठीक है, इधर साइड पे मतलब वॉशरूम साइड पे आ नहीं रही वो। और वहाँ पे भाई साहब ये देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, टीवी रिमोट उठा रहा है नल्ला, देख रहे हो
ब्रोकन रिकॉर्ड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा रहा है। सो यहाँ पे दादी के बिल्कुल पीछे पीछे चलेंगे, सो दादी को पता भी नहीं लगेगा हम इसके पीछे। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ उठाई है मेरे हिसाब से, मैंने देखा नहीं अच्छी तरह, बट कोई अच्छी चीज़ ही उठाए हुए। सो हम लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ से फटाफट से भागना पड़ेगा। और ये अपना हो चुका है कम्प्लीट, ये भी अपना लेवल हो चुका है कम्प्लीट। सो हमारा यहाँ पर भी अच्छा टाइमिंग, भाई हम लेट कर गए, पता है मतलब जल्दी हो सकता था, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। सो चलो फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लेवल देखते रहेंगे कितने से कितने मुश्किल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हर लेवल को हम लोग आसानी से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे भी मतलब भाई सामने साइड पे ये कौन सो रखा हुआ है, वो भी डेड साइलेंट वन ही इज स्नीकिंग लाइक ए निंजा। भाई सब आराम से जाना पड़ेगा। और ये भाई ये बंदा मेरे को देख क्यों नहीं रहा भाई, वो उस बंदे ने देखा ही नहीं मेरे को भाई, वो सामने साइड पर भाई खो रखा हुआ अपनी दुनिया में। भाई साहब बहुत आसान है यार इसमें तो चोरी करना, देख रहे हो। सो यहाँ से फटाफट से ये सब उठाते हैं। और भाई वो बंदे को मतलब ही नहीं भाई, मैंने यहाँ से चोरी कर ली और उस बंदे को मतलब नहीं। और दादी अंदर साइड पे ही है, दादी भाई बहुत खतरनाक है, दादी से बच के जाना पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और बिल्कुल ही आसान आराम से जाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग रन मतलब भाग नहीं सकते। और यहाँ पे अच्छा वो आंटी थी साची, ये अंकल है और वो दादी है, ठीक है। और उनका कोई पैट उधर साइड पे सो रखा था मेरे हिसाब से, और बाहर जाने का रास्ता ये रहा। और बिल्कुल ही आसानी से हम लोग यहाँ से सब कुछ लूट करके भाग चुके हैं, ठीक है। सो ये तो इजी था यार, बिल्कुल इजी था। सो मतलब हम लोगों ने ना बिल्कुल आराम आराम से चोरी करके जाना है, ठीक है। सो चलो मतलब बॉब भाई एक नंबर चोर है, देख रहे हो मतलब खतरनाक ही चोर है। और यहाँ पे इसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रखी है, इसकी बातें सुनने से अच्छा भाई मैं इससे अच्छा मतलब आराम से जाके चोरी कर सकता हूँ, मतलब ये जितनी बातें बताता है। और ये भाई मेल क्यों उठाया इस नल्ले ने, मतलब एक मेल नहीं है इसके घर पे नल्ला। और पीछे साइड पे मेरे हिसाब से देख लिया दादी ने, मेरे को ऐसा क्यों लगा भाई दादी ने देख लिया मेरे हिसाब से। रिमोट ये देखो, रिमोट उठाएगा, देखना ये देखो टीवी रिमोट उठा रहा है और न्यूज़पेपर वो भी एस्टर्डे के। सो चलो अंदर साइड को, अरे दादी भाई ये दादी है कि अंकल है भाई, पता नहीं भाई आंटी है मेरे हिसाब से, आंटी है मेरे हिसाब से, हाँ आंटी है। सो हम लोग को आराम से बाहर जाना पड़ेगा। और भाई इस गेम में भी ऐसा भी है ना, अगर आप लोग को ऐसे कोई देख लेगा ना बहुत मतलब बहुत मारेंगे ये घर वाले, समझ रहे हो। और क्या पता पुलिस को भी बुला सकते हो, अगर दादी देख लेगी तो पुलिस को बुला लेगी, अगर आप लोग दादी के सामने चले गए ना तो फिर मतलब समझ रहे हो दादी आपकी बहुत गंदी तरह धुलाई कर देगी, ठीक है। मतलब इस घर की दादी भी बहुत खतरनाक है। सो अंदर साइड पर अभी यहाँ पर आंटी जा रखी है, सो आंटी जी को इधर आने दो, फिर हम लोग भी उधर साइड को जाके वहाँ पे घर के अंदर पता नहीं एक और चीज़ है, ठीक है, वॉशरूम साइड में पता नहीं कुछ और चीज़ है। ये वॉशरूम है कि साथ किचन है मेरे हिसाब से, हाँ किचन ही है, क्योंकि उधर साइड पे गैस रख रखा है तो किचन ही होगा, ठीक है। सो यहाँ से प्लेट प्लेट सब कुछ उठा लेते जो भी चीज़ें कीमती है। सो अपना हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। और यहाँ पे ये वाला लेवल भी बिल्कुल ही आसानी से हो चुका है। और यहाँ पे टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया और हम लोगों को किसी ने देख भी लिया था मेरे हिसाब से। सो हम लोग यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सो यहाँ पे और ये अरे 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 भाई आंटी आंटी भाई ये आंटी देखना ले यार, भाई सब बिल्कुल मेरे सामने से गई नली, मतलब कुछ भी। सो डर्ट भाई ये गंदे कपड़े की उठा रहे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, इसको यही सब चीज़ लेना था तो भाई मतलब क्या भाई पुलिस वाले ने भी यही उठाने को भेज रखा है क्या हमें। और अंदर साइड को अरे देख भाई सब क्या बचे यार, भाई 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 हम लोग अगर अंदर चले जाते तो फिर भाई हमारा गेम ख़त्म था, ठीक है, मतलब हमारा गेम ओवर हो जाता। और उसको शक हो चुका है, उसने देखा दरवाज़ा खुल रखा है, अब इस आंटी को ना थोड़ा सा शक हो चुका है हमारे ऊपर। सो अभी हम लोग को फटाफट से भागना पड़ेगा और अपना झोला भर चुका। अरे इसने पुलिस को फ़ोन कर दिया भाई, पुलिस को फ़ोन कर दिया, इसके अंदर डब्बे के अंदर छुपना पड़ेगा। भाई 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 पुलिस को फ़ोन कर दिया भाई सब, ये देखो दो दो पुलिस वाले आ रखे भाई, बहुत गंदा धुलाई करेंगे अगर इन्होंने पकड़ लिया ना भाई, बहुत गंदा मतलब हमें धोएंगे, ठीक है। सो हम लोग को बिल्कुल ही यहाँ पे हम लोग डब्बे के अंदर है, इस पुलिस वाले को पता ही नहीं, देख रहे हो। अभी ये आंटी को मतलब भाई इस आंटी को पता कैसे चला मेरे को यही नहीं पता लगा, मतलब कैसे अच्छा हम लोग ना मतलब ज़्यादा स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे थे, पता है हम लोगों ने बिल्कुल ही आराम से भागना चाहिए था और हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने की कोशिश कर रहे थे जिस वजह से इस आंटी को पता लग गया। सो यहाँ पे आंटी अपना मतलब इधर साइड पे देखी जा रही है, और आंटी को बाहर जाते ही ना हम लोग भी यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। और इसका भाई ये डॉगी है कि क्या है भाई, मेरे को थोड़ा वो टर्टल जैसा भी लग रहा है ये इसका जो पेट है, पता नहीं क्या चीज़ है। अभी आराम से निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से चलो भाई उसको थोड़ा सा भाई शक तो हो ही गया था। सो चलो हम लोगों ने यहाँ से टाइम से भी निकल गए और अपना ये बस उन्होंने हमें देख लिया था इस वजह से पहला वाला अपना
वो कंप्लीट नहीं हो पाया। सो चलो ये भी अपना हो चुका है लेवल कंप्लीट। सो नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे न्यूज़पेपर, भाई ये भाई पुराने न्यूज़पेपर क्यों उठा रही है। सो हम लोग को यहाँ से आराम से वो करना पड़ेगा। चलो यहाँ से ये भी उठा लिया। अब हम लोग को अंदर, अरे देखो अंदर साइड पर अंकल भी है भाई, अभी पहले आंटी थी अब अंकल आ गया भाई। सो हम लोग को ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि अगर अंकल ने देख लिया ना बहुत धोएगा। और साथ से देख लिया हमें, नहीं 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 ऐसे कैसे देख लेगा भाई, प्रो है हम लोग, देख रहे हो भाई हमें मतलब कैसे पकड़ सकता है अंकल, समझ रहे हो, प्रो बंदों को थोड़ी पकड़ लेगा। सो यहाँ पे गुड जॉब बोल चुका है। ये डिवोर्स पेपर भाई, ये क्या चीज़ उठाने को बोल रखा है, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई इन इस मतलब इस पुलिस वाले ने क्या क्या मंगवा रखा है, मेरे को तो ये नहीं पता चला। सो चलो जो भी मंगवा रखा है, जो भी हमें उठाने को कहा है, हम लोग को आराम से उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये अंकल हमारे पीछे आ रहा है भाई, भाई बिल्कुल दरवाजे के सहारे में मैं छुप रखा हूँ, देख रहे हो, अरे देख लिया, भागो भागो भागो, अरे भाग भाग भागो भाई भाई भाई, भागो भागो भाई सब, देख लिया था अंकल ने भाई, बहुत मारता वो, अरे भाई क्या मस्ती भाई, क्या खतरनाक तरह भागा यार मैं, मतलब भाई मज़ा ही आ गया भाई सब, मतलब उसने मुझे देख भी लिया ना तो भी कुछ नहीं कर पाया मैं भाई, फुल स्पीड में भाग गया, देख रहे हो ये होता प्रो बंदा, समझ रहे हो, प्रो लोग हैं हम लोग, समझ रहे हो। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही हमारे पीछे आने की कोशिश करेगा फर्स्ट वाले दरवाजे को, सोचेगा किसने खोला, इस करके वो उधर को चला गया। और हम लोग सेकंड वाले दरवाजे से अंदर आके यहाँ पे फटाफट से चोरी कर लेते हैं क्योंकि भाई एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि भाई मतलब समझ रहे हो इस गेम में ना बॉब के बराबर कोई चोर नहीं होना चाहिए, वैसे है एक ही चोर बॉब, समझ रहे हो, मतलब जो इस गेम में वो एक ही कैरेक्टर है जो कि जिसका नाम है बॉब। और यहाँ पे दादी आ चुकी है फटाफट से, इधर साइड पे आ रही है सच है, दादी बिल्कुल हमारे सामने से जा चुकी है। और यहाँ पे अपना अभी झोला पूरा नहीं हुआ, ठीक है, हमारा मतलब जो बैग है बिल्कुल फुल नहीं हुआ। सो हम लोगों को और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, और क्या चीज़ें हैं उठाने लायक, ठीक है। सो यहाँ पे भाई सब कुछ तो मैंने उठा लिया यार, वॉशरूम साइड में है सच है मेरे हिसाब से, किचन का भी मैंने सब कुछ उठा लिया, और वॉशरूम में नहीं, मेरे हिसाब से वॉशरूम में मैंने देखा नहीं था पहले, ठीक है। सो इधर साइड पे हॉल में, अरे ओरा हॉल में है कुछ है, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। सो यहाँ से आराम से जाते हैं और इसको थोड़ा सा, ये देखो हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया और ये बंदा भाई हमारे पीछे पड़ चुका है। चलो भाई बिल्कुल इसके भाई मतलब देख रहे हो इसके सामने से उठा के गया और इसको भाई कुछ पता भी नहीं लगा, समझ रहे हो, मतलब अच्छा हम लोगों ने फुल बैग भर के नहीं लेके आया सामान अभी, अरे यार थोड़ा सा कुछ रह गया मेरे हिसाब से, पता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं। और भाई उसके सामने से मैं दौड़ते भागा, मतलब भागते भागते गया और मैंने सामान उठाया भाग गया मैं घर से, देख रहे हो, मतलब उस वो पकड़ भी नहीं पाया। सो इनका डॉगी है कि, अच्छा ये डॉगी थोड़ी है भाई, ये दादी माँ है सच है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई मेरे को, ये देखो देख लिया इसने भाई, देख लिया फटाफट से हम लोग भागते हैं, अरे अरे लॉक लगा रखा है, भागो 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 इसके पीछे छुपते। और यहाँ पे भाई सब फाउंड है कि भाई हम लोगों ने चाबी तो ढूंढ ली, और भाई उधर साइड पे ना लॉक लग रखा था, और यहाँ पे भाई ये आंटी की पता नहीं क्या चीज़ है, ये शायद से इंसान ही है मेरे हिसाब से, तो बाल कलर करवा रखे इस करके मेरे को पता नहीं लगा, ये शायद से आंटी है, हाँ आंटी है। सो हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा मैं आंटी को भाई, मैं आंटी को वो समझ रहा था, मतलब क्या नाम है, टर्टल समझ रहा था, समझ रहे हो भाई, टर्टल समझ रहा था मैं अब तक आंटी को, भाई मैं भी क्या ही अजीब बंदा हूँ यार, अरे दोबारा देख लिया, आंटी शांत हो जा आंटी, भाई 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 चलो दरवाज़ा खोलते और अंदर साइड पे छुपते, भाई भाई दोबारा से पुलिस को, भाई ये हर 2 सेकंड में पुलिस को कैसे बुला लेते हैं। और अंदर साइड पे दादी और अंदर दादी के उधर ही साइड पे बहुत सारी चीज़ें भी है, ठीक है। सो मतलब किचन में ही बहुत सारी चीज़ें, हम लोग को आराम से जाकर लेके आना पड़ेगा। और दादी यहाँ पे जा चुकी है और हम लोग को फटाफट से जाके यहाँ से उठाते हैं। और ये दादी ने सुन लिया भाई, आवाज़ सुन लिया और हमारा बैग हो चुका फुल और हम लोग भाग सकते हैं अब, चलो भाग गए। सो चलो अपना टाइम पे भी हो चुका काम और फुल बैग भी लेके आ चुके, ठीक है, मतलब भाई घर को खाली कर दिया हम लोगों ने, पूरा सामान उठा लिया। सो हम लोग पहुंच चुके नेक्स्ट लेवल में, और नेक्स्ट लेवल में अब क्या होता है देखते हैं। सो अंदर साइड पे कोई भाई मतलब अंकल घूम रहा है, और भाई पुलिस भी है अंदर, तो भाई पुलिस वाला भी है अंदर भाई साहब, मतलब यहाँ पे कॉप्स भी है और साथ में ये अंकल भी बाहर साइड पे घूम रहे हैं। सो हम लोग को ध्यान से, अरे बॉब 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 भागो भागो भागो, अरे पीछे आ रहा वो नल्ला, भाग 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 भाई रुकना नहीं है, चलो चलो भागो भाई, पकड़ेगा तो बहुत मारेगा ये। और अंदर साइड पे भाई पुलिस वाले अंदर साइड पे ही है भाई, क्या सिस्टम है यार इसमें,
और पुलिस वाले के उधर से ही मुझे कुछ चोरी करके लाना है मेरे हिसाब से। अरे हाँ भाई, उधर अंदर साइड पुलिस वाले के उधर से ना हम लोगों को कुछ चोरी करके लेके आना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ है भाई, मेरे को पता लग गया, अंदर साइड से भी चोरी करना भाई, पुलिस वालों के सामने से चोरी करके लाएंगे। चलो देखते, कोशिश करेंगे भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, बॉब के बराबर चोर कोई नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ, इस गेम में वैसे बॉब के बराबर चोर होगा भी कौन यार। सो यहाँ पे हम लोग को पेंटिंग मिल चुका, और चलो पेंटिंग बहुत महंगी होती है मेरे हिसाब से, तो मतलब पेंटिंग होती ही महंगी है, ठीक है। अगर कोई अच्छी पेंटिंग हो, मतलब अलग पेंटिंग, यूनिक और अच्छी पेंटिंग हो, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। सो हम लोगों ने भी पेंटिंग उठा लिया है। सो यहाँ पे पुलिस वाला बिल्कुल ही सामने से जा रहे हैं, और हम लोग को डब्बे भाई ये घास के अंदर, हम लोग भाई निंजा टेक्निक देख रहे हो हमारा, मतलब निंजा हथौड़ी बन चुका है अपना बॉब ना, निंजा हथौड़ी बन चुका है बिल्कुल ही आराम से। अब पुलिस वाले सोच रहे कि वहाँ पे भाई दरवाज़ा किसने खोला, और हम लोग यहाँ से टिकट उठा लिया, यूज स्क्रैच टिकट। सो टिकट हम लोगों ने उठा लिया, और यहाँ पे पुलिस वाले शायद से इधर ही आ रहे हैं मेरे हिसाब से। भाई वो पुलिस वाला हैरान हो गया होगा, वो सोच रहा होगा भाई ये दरवाज़ा किसने खोला। अब हम लोग यहाँ से बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह यहाँ से डिंग डिंग करते हुए भागना पड़ेगा हम लोग को। सो चलो भागते अब यहाँ से, और भाई बिल्कुल ही बाहर साइड पर हुआ है। अरे ये नल्ला बाहर साइड पर क्यों घूम रहा है ये भाई, इसके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। ये भाई इसके पीछे पीछे चलेंगे हम लोग, और इस बारी पता क्या अच्छी बात है, दादी माई है नहीं इस बारी, बस ये अंकल है और एक ये पुलिस वाले भैया है, मतलब पुलिस वाले सर है, ठीक है, और कोई नहीं इस घर के अंदर। सो हम लोग आराम से जा सकते हैं, अब हम लोग आराम से भाग सकते हैं घर से, और अपना हो चुका है कम्प्लीट ये वाला भी, ठीक है। मतलब भाई पुलिस वाले को चकमा दे दिया, और साथ में ये क्या नाम है, ये अंकल को भी चकमा दे दिया, देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो भाई हम लोग कितने बड़े वो प्रो बन चुके हैं इस गेम में। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके दूसरे घर में, मतलब सेम ही घर में आ रहे वैसे तो हम लोग, बट घर थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है, जितना लेवल बढ़ता जा रहा है उतना घर बड़ा बनता जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने टीवी रिमोट, भाई ये सबसे पहले टीवी रिमोट ही उठाता है भाई, और बाहर साइड पर इनका डॉगी सो रखा हुआ है भाई, बाहर साइड पर इनका डॉगी सो रखा हुआ है, वहाँ से हम लोग को आराम से उठ जाकर ना सामान, अरे भाई देख लिया उसने, देख लिया आराम से उठाएंगे, अरे अरे भागेंगे नहीं, आराम से उठाएंगे। और ये भाई भोंकना बंद करना है नल्ले, ये भाई भोंकी जा रही है, तो भाई साहब रुक जा दो सेकंड रुक जा, मेरे को बस चोरी करने दे, उसके बाद जो मर्जी करना कर लियो, चाहे जितना मर्जी भोंकना भोंक लियो, बस अभी मेरे को चोरी करने दे, दो सेकंड रुक जा। सो यहाँ से हम लोगों ने ये इसको भी नोट को भी उठा लिया, और भाई इसके इस घर के मालिक ने ना ये डॉगी की आवाज़ सुन ली मेरे हिसाब से, पता है भाई इस घर के मालिक ने डॉगी की आवाज़ सुन ली, और वो आंटी आ रही जिसको मैं कछुआ बोल रहा था, मतलब टर्टल बोल रहा था जिसको मैं, वो आंटी आ रही भाई, हम लोग को भागना पड़ेगा आराम से। और हम लोगों ने यहाँ से जाना किधर है, अच्छा ये रहा लॉक खोल लेते, अरे खुल जाना लॉक, अरे यहाँ पे की कहाँ पे गई भाई, की है किधर पे। सो हम लोग को यहाँ पे छुपना पड़ेगा, और वो टर्टल वाली आंटी जा रही थी, और इस भाई ये डॉगी ने भोंक के गलती कर दी भाई, अब इसको मैं टपकाना पड़ेगा। वैसे इसमें टपकाने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये चोरी वाला गेम है, सो हम लोग को किसी को टपका भी नहीं सकते, ठीक है। सो आराम से चलते हैं, और हम लोग को, अरे इसने पुलिस को फ़ोन कर दिया भाई, ये आंटी को कैसे पता चला मैं यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे की भी नहीं है, अब क्या करूँ मैं। अच्छा की है, अच्छा मैंने भाई गलत रास्ते, किचन वाले रास्ते से जाना चाहिए था, मैं वही कह रहा, इसके इस रूम को खोलने के लिए ना की चाहिए होगा, अच्छा वो तो एग्जिट है, ठीक है, जिस रूम को खोलने के लिए मुझे की चाहिए वो एग्जिट है, ठीक है। सो की यूज करके हम लोग यहाँ से आराम से भाग सकते हैं। सो यहाँ पे अपना ये मेन सामान भी उठा लिया हम लोगों ने, जो मेन चीज़ उठाने को बोला ना वो चीज़ भी हम लोगों ने उठा लिया, ठीक है। सो अपना ये भी हो चुका है मिशन कंप्लीट, ठीक है, मतलब ये भी लेवल अपना कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा सा टाइम में हम लोग लेट हो गए, ठीक है। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्स्ट लेवल में, और हम लोगों ने देखना है कि क्या कुछ होता है, और अब तक तो बहुत सही चल रहा है गेम, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये इसने बता दिया क्या कुछ करना है। सो हम लोगों को पता है, वैसे भी हम लोगों ने पता है क्या करना है, जाना है और वहाँ से मतलब सामान उठाना है, और कुछ नहीं बस, ठीक है। मतलब बंदों को पता नहीं लगना चाहिए घर वालों को कि हाँ घर के अंदर चोर आ रखा है, और जब पता लगे ना, जब तक हम लोग बाहर भाग भी चुके हो तब पता लग जाए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें दादी ने देख लिया, अरे भागो, अरे दादी ने धुलाई कर दी हमारी, अरे यार दादी ने धुलाई कर दी भाई, छी यार क्या यार, अब तो बेइज्जती होगी भाई, बॉब भाई की बेइज्जती होगी यार, दादी ने धुलाई कर दी यार भाई साहब। चलो अभी हम लोगों को ध्यान से चोरी करना पड़ेगा, वरना दादी से दोबारा से धुलाई खा लेंगे, ठीक है। मतलब दादी भाई बहुत खतरनाक है, मैंने जैसे पहले भी बोला था, मतलब इस गेम की दादी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप लोगों को अकेले ही मार सकती है, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ से बाहर भागना पड़ेगा, अरे इसने भाई ये डॉगी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था भाई, अभी दादी मेरे को ख़त्म कर देती,
ये नल्ला भाई यहाँ पे छुपना पड़ेगा। अरे देख लिया, दोबारा से धुलाई कर दी। अरे यार दादी 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 जी माफ़ कर दो। अरे दादी यार मेरे को छोड़ दो भाई, बस एक बारी भाई, एक बारी चोरी करने दो, इसके बाद नहीं करूँगा मैं। लास्ट बारी चोरी करने दो दादी, लास्ट बारी, इसके बाद कभी नहीं करूँगा मैं चोरी। सो हम लोग यहाँ से मतलब चलते हैं, मतलब मैं तो वैसे करता भी नहीं हूँ, वैसे बॉब नहीं करेगा ये कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब छोड़ो यार अभी इस बात को छोड़ो, अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ है सामान यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उठा तो ली, और ये भाई बेचारे डॉगी का दिल टूट गया यार, मतलब मैं भाग गया इसलिए दिल टूटा कि किस लिए टूटा, मैं इसके अंदर चल जाता हूँ। और दादी साइड से अंदर साइड पे आ सकती है, और हम लोग भाई बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह ना यहाँ पे छुप चुके हैं, ठीक है, घासों के बीच में से, बीच में बिल्कुल छुप चुके हैं। और मतलब भाई डॉगी अब जाकर अपने सीट में जाकर सो गया भाई, नल्ला देख रहे हो, अब तक भाई अब मतलब वहाँ मेरे पीछे पड़ रखा था नल्ला, अब जाके अंदर इधर साइड पे जाके सो गया। अभी तक तो दादी चली गई होगी, हाँ चली भी गई दादी, सो वो जा रखी है साथ से वॉशरूम में, ठीक है, मतलब हाँ वॉशरूम में ही जा रखी है। सो अभी हम लोग को यहाँ से, अरे भाई साइड पे वो भी है, अंकल भी है, अंकल से बच के जाना पड़ेगा आराम से। यहाँ पे अंकल आंटी और दादी तीन लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं, तो हम लोग को इनसे बचकर ही रहना है, ठीक है। सो और तो चाहे जो मर्जी आ जाए कोई बात नहीं। अच्छा पुलिस वाले भाई, ये लोग ना पुलिस वाले को भी फ़ोन कर देते हैं एक सेकंड में, और पुलिस भाई इस गेम में कितनी फास्ट है यार, पुलिस एक सेकंड नहीं लगाती मतलब आने में। और हम लोग शायद से, हाँ अच्छा वॉशरूम में ही है, हाँ हाँ सही जा रहा हो, सही जा रहा हो, अरे वॉशरूम में, चलो वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर हम लोग को वो भाई कमोड में भाई छुपने का जगह बता रहे, चलो पागल है क्या, कमोड में छुपेंगे, क्या बात कर रहे हो यार, वैसे मुसीबत पड़ेगी तो बॉब को कमोड में भी छुपना ही पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ से हम लोगों को भागना पड़ेगा, और हम लोगों के पास कीक भी है, और हम लोग बिल्कुल ही किसी को भी पता नहीं लगा हम लोगों ने चोरी करके निकल गए भाई। इस बार हमारे तीनों डब्बे फुल हो गए, ठीक है, मतलब इस बार हमारा मतलब परफेक्ट है, इस बार किसी को पता भी नहीं लगा हम लोग चोरी करके भाग गए, क्या देख रहे हो, मतलब क्या ही खतरनाक तरह चोरी किया इस बार हम लोगों को, किसी ने देखा भी नहीं, और हम लोग टाइम में भी चोरी करके आ गए, और साथ में हम लोगों ने बैग फुल करके मतलब चोरी करके आए, ठीक है, मतलब हम नहीं, ये क्या नाम है, बॉब भाई चोरी करके आए। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, और आप लोगों को पता ही है क्या करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट भी बताना कैसा लगा वीडियो। और बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।